रायगढ़ में भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह ने भाजपा की विजय संकल्प रैली को संबोधित करते हुए कार्यकर्ताओं को रिचार्ज किया। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही चुनाव सभा में यह पहला मौका था जब भाजपा के राष्ट्रीय नेता रायगढ़ के जनता के बीच पहुंचे थे। आपको बता दें कि लोकसभा चुनाव को लेकर हो रही चुनाव सभा में यह पहला मौका था जब भाजपा के राष्ट्रीय नेता जनता के बीच पहुँचे थे। अमित शाह ने अपने अंदाज में मनमोहन सिंह की पूर्व केंद्र सरकार और छत्तीसगढ़ की नई नवेली कांग्रेस सरकार पर आरोपों की झड़ी लगाई। उन्होंने कांग्रेस पर आरोप लगाते हुए कहा कि कांग्रेस के शासन काल में आतंकवाद को बढ़ावा मिलता रहा है, लेकिन मोदी सरकार ने पाकिस्तान की हर गोली का जवाब गोले से दिया है। उन्होंने छत्तीसगढ़ की भूपेश बघेल सरकार को आड़े हाथों लिया और कई गंभीर आरोप लगाए। साथ ही मोदी सरकार और छत्तीसगढ़ की पूर्व रमन सरकार की योजनाओं की जमकर तारीफ की। उल्लेखनीय है कि अमित शाह की सभा को लेकर जो कयास लगाए जा रहे थे, सभा उसके अनुरूप नहीं हुई। सभा में कार्यकर्ताओं की ही भीड़ नजर आई। आम जनता ने इस सभा में आकर अमित शाह को सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं लिया। बहरहाल अमित शाह ने जोशीला भाषण देकर कार्यकर्ताओं को रिचार्ज करने का प्रयास जरूर किया है। देश के लिए दीमक है दीमक, उनको उखाड़ कर फेंकना ये भारतीय जनता पार्टी का कमिटमेंट है। मित्रों, हमारे चुनाव घोषणा पत्र में कहा है कि मोदी जी की सरकार बनेगी, किसानों को 0% ब्याज से हम ऋण देंगे, किसानों पर से अब ब्याज नहीं लिया जाएगा, ये भारतीय जनता पार्टी। हर किसान, छोटा और सीमांत किसान, हर किसान को 60 साल के बाद पेंशन देने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार करने वाली है। मित्रों, हर खेत मजदूर को पेंशन देने की व्यवस्था ये भारतीय जनता पार्टी करने वाली है। मित्रों, छोटे व्यापारियों के से 40 लाख से कम टर्नओवर है उनका जीएसटी माफ कर दिया है, 60 लाख से कम टर्नओवर है इसका इनकम टैक्स माफ कर दिया है, 5 लाख से कम जिसकी आय है उसका इनकम टैक्स माफ कर दिया है, और व्यापारियों को भी 60 साल के बाद पेंशन देने की शुरुआत ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार। रायगढ़ से सुरजीत कौर की रिपोर्ट, एसीएन 24।